जनपद पीलीभीत के तहसील पूरनपुर क्षेत्र के गांव में सारदा नदी में जलस्तर बढ़ने और घटने से कृषि योग्य जमीन तेजी से कटान हो रहा है। वहीं ग्रामीणों की जमीन में लगी गन्ने और धान की फसल कटकर नदी में समा रही है। क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित और कटान पीड़ित गांव राणा प्रताप नगर में गांव के दक्षिण दिशा खेतों की तरफ शारदा ने कटान तेजी से शुरू कर दिया। शारदा नदी कई दिनों से भू कटान कर रही है। नदी के बढ़ते जलस्तर से भू कटान बढ़ने लगा, जिससे सैकड़ों ग्रामीणों की धड़कनें थमसी गई है। शारदा नदी में इन दिनों जलस्तर का चढ़ाव उतार होने से राणा प्रताप नगर में दक्षिण दिशा में फारूक के खेत की ओर पानी आपस में घूमकर खेतों में खड़ी गन्ना फसल समेत जमीनों का कटान कर रही है। आपको बता दें कि इसी माह गांव के श्रीनगर के मध्य कटान हो रहा था, जिसका बचाव कार्य नाम मात्र का जारी रहा। नदी के दक्षिण दिशा की ओर ग्रामीण मोहम्मद फारूक, राजेंद्र वर्मा, मुन्ना वर्मा, मोतीलाल के खेत में खड़ी गन्ना की फसल समेत कृषि योग्य जमीन नदी में कटकर समा रही है। वहीं ग्रामीणों ने बाढ़ कटान रोकने के लिए जिले के विभागीय अधिकारियों से दिन रात रोजाना फोन पर वार्ता कर रहे, लेकिन बाढ़ खंड के अधिकारी मामले को संज्ञान नहीं ले रहे हैं। वहीं अभी तक कोई भी बचाव कार्य शुरू नहीं कराया गया है। हमारे यहाँ शारदा नदी बहुत तेज़ी से कटान कर रही है और सारी फसलें जो हैं वो शारदा नदी में समा गई हैं और कोई भी अधिकारी यहाँ आने को नहीं है, ना कोई देख रहा है। ऐसा रहा तो यहाँ जितनी भी खेती है और फसल है सब बर्बाद हो जाएगी और सब बर्बाद हो चुकी है। कोई भी अधिकारी आने को राजी नहीं हो रहा है, ना कोई देख रहा है। शारदा नदी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि शारदा नदी का बाढ़ पे चल रही है, कभी घटती है कभी बढ़ती है, लेकिन सक्षम अधिकारी अभी तक उसको देखने नहीं आए, ना कोई देख रहा है। और काशकार बाकी इतना परेशान है बेचारे, पानी में मतलब जो है उनकी चारपाइयाँ पड़ी हैं, बहुत बुरे हाल हैं, फसलें सारी मर गई हैं, लेकिन कोई भी किसी तरीका उच्च अधिकारी से लगाए कि अब तक कोई भी अधिकारी उनको नहीं देख रहा है। और वो भूख के कंगाल पर भी आ गए हैं कि जो बेचारे उनके बच्चों को खाना पानी कुछ नहीं मिल रहा है। इस तरीके से वो लोग परेशान हैं कि ना ही कोई अधिकारी उनको देख रहा है कि किसी को जाके इंतजाम खाने का या कोई तरीके से कोई भी इंतजाम उनका नहीं हो रहा है। जो लोग बहुत ही अधिक परेशान हैं, किसी समय भी मतलब वो इस तरीके से कंगाल पर आ जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि बाढ़ अधिक आने पर कि कुछ लोग वहाँ पर मौत के घाट से उतर जाएँ।